आईपीएल 2023 की ताजा तरीन खबरें। मुंबई ने आरसीबी को 6 विकेट से हराया। सूर्या बने प्लेयर ऑफ द मैच। सूर्या और नेहल ने लगाया तूफानी अर्धशतक। तो स्वागत है दोस्तों हमारी YouTube चैनल क्रिकेट मलाई पर। अब खबरें विस्तार से। आईपीएल 2023 के 54वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से हुआ। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और बेंगलोर को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बेंगलोर की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 199 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम ने 16.3 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। बेंगलोर की तरफ से बल्लेबाजी में ग्लेन मैक्सवेल ने 83 बॉल में 68 रन ठोके, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। फाफ डुप्लेसिस ने 41 गेंद में 65 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। दिनेश कार्तिक ने 18 बॉल में 30 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में मुंबई के लिए बेरेंडॉर्फ ने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उन्होंने कोहली, रावत और मैक्सवेल का विकेट लिया। कैमरन ग्रीन ने 2 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट झटके। उन्होंने फाफ डुप्लेसिस को आउट किया। कुमार कार्तिकेय ने 4 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट गिराए। उन्होंने लोमरार का विकेट लिया। अब बात कर लेते हैं मुंबई टीम के बल्लेबाजी की। तो सूरज कुमार यादव ने 35 गेंद में 83 रन ठोक डाले। नेहल बढ़ेरा ने 34 गेंद में 52 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। ईशान किशन ने 21 गेंद में 42 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में बेंगलोर के लिए विजय कुमार ने 3 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उन्होंने सूर्या और डेविड का विकेट लिया। हसरंगा ने 4 ओवर में 53 रन देकर 2 विकेट झटके। उन्होंने किशन और रोहित शर्मा का विकेट लिया। मोहम्मद सिराज ने 3 ओवर में 31 रन दिए। इस सीजन की 6ठी जीत के साथ ही मुंबई अंक तालिका में 3रे स्थान पर आ गई। वहीं आरसीबी की टीम हार के बाद 7वें स्थान पर पहुंच गई, जिसके कारण प्ले ऑफ का सफर बेहद मुश्किल हो गया है। अब बात कर लेते हैं मैच के रोमांच की। तो सूरज कुमार यादव मैच खत्म होने के ठीक पहले आउट हो गए। अंत में नेहल बढ़ेरा ने जीत का छक्का लगाकर मैच को फिनिश कर दिया और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी के साथ आईपीएल समाचार समाप्त हुआ। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में आईपीएल 2023 की नई ताजा तरीन खबरों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।